नमस्कार दोस्तों, एमपी डेली करंट अफेयर्स के 3 जून 2019 के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के आप एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे एमपी जीके डैश मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश स्कूलों में पर्यावरण का ज्ञान परखने के लिए ग्रीन ओलंपियाड कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के स्कूलों में पर्यावरण का जो ज्ञान परखने के लिए 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2019 तक ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसकी हम डिटेल देखते हैं। इस ओलंपियाड का उद्देश्य स्टूडेंट को पर्यावरण से जोड़ना है और पर्यावरण में शामिल पर्यावरण विषय को लेकर बच्चे कितने सजग हैं। इसके लिए CBSE, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ये CBSE ने द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के साथ मिलकर एक पहल की है। इसके तहत ग्रीन ओलंपियाड करवाया जाएगा और इसमें 3 कैटेगरी में यह ओलंपियाड कराए जाएंगे और इसमें 4 से 10वीं तक के स्टूडेंट शामिल होंगे और इनका पहला जो लेवल होगा वो 4 और 5 कक्षा के लिए होगा और 31 जुलाई 2019 तक इसके आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को रिसर्च को बढ़ावा देने में कौन सा स्थान मिला है? ये जो RGPB विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसमें देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दूसरा स्थान मिला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए उससे संबद्ध 13 तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय की तीसरी चरण की जो रिपोर्ट 1 जुलाई 2019 को जारी की गई, इसमें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला है। और इसमें हम देखते हैं कि इसने क्या क्या किया इस विश्वविद्यालय की जिसे दूसरा स्थान मिला। 13 तकनीकी संस्थानों ने तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए अपने यहाँ क्या कुछ नए प्रयोग किए, इसके तहत मिले फंड को किस तरह इस्तेमाल किया, इसके आधार पर रिपोर्ट जारी किया गया। और इसमें पहले स्थान पर लखनऊ के डॉक्टर APG अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रही है दोस्तों। और इसमें तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेंट्रलाइज्ड रिसर्च हब की शुरुआत की गई है। तो इसी विश्वविद्यालय में सेंट्रलाइज्ड रिसर्च हब की शुरुआत की गई है और RGPP को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने का प्रावधान इस रिसर्च के दूसरे स्थान पर आने के लिए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित समिति में मध्य प्रदेश से कौन शामिल किए गए हैं? अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी उपरोक्त दोनों को इस समिति में शामिल किया गया है। कृषि मंत्री को उनके नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्हें कृषि मंत्री की हैसियत से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस समिति में शामिल किया गया है। और कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है और इस समिति में जो है वह 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और अपने सुझाव प्रसिद्ध करेगी सरकार को। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि इस बार मुरैना से जीत के सांसद बने हैं दोस्तों। और इन पर मतलब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अतिरिक्त प्रभार में है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। यदि हम उस राज्य की बात करें कि जो पहले स्थान में रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास बनवाने में, तो पश्चिम बंगाल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस योजना के तहत देश भर में 90,49,507 मकान बनाए गए हैं और इसमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 13,69,108 मकान बनाए गए हैं, जिसमें से दूसरे व तीसरे नंबर पर क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पिछली बार में प्रथम स्थान पर था और अपना मध्य प्रदेश तो दूसरे ही स्थान पर भी पिछले साल में था। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार विषय पर एक दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है वह उमरिया में किया गया है और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उमरिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मानव अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 2 जुलाई 2019 को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उमरिया में किया गया है। दोस्तों हम उमरिया जिले से संबंधित फैक्ट देखते हैं और इसमें पहला फैक्ट है कि उमरिया जिले का जो गठन किया गया था वह 31 मई 1998 को किया गया था और उमरिया जिले को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। इसमें से दूसरा फैक्ट हम देखते हैं कि उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था और यहाँ शेर शाही और विष्णु मंदिर भी हैं। इसी जो बांधवगढ़ का किला है वहाँ पर शेर शाही और विष्णु मंदिर हैं और ताला प्रागत ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल उमरिया जिले में स्थित है। सफ़ेद शेरों के लिए मशहूर 32 पहाड़ियों से घिरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में ही स्थित है और उमरिया जिले में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है। उमरिया में हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। उमरिया जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में ही स्थित है। तो ये थे हमारे उमरिया से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी के स्थायीकरण व अन्य मामलों के लिए अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई है? तो संविदा कर्मचारी को स्थायीकरण व अन्य मामलों के अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, ये इसके एक पहले मंत्री मंडलीय समिति का भी गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष जो सामान्य प्रशासन मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनकी अध्यक्षता में वह समिति गठित की गई थी और अब ये उप समिति गठित की गई है जो कि मंत्रिमंडल समिति की सहायता करेगी। इस उप समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद मीना हैं जो कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग है और समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गौरी सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के अनुराग जैन, मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा की जो रश्मि अरुणी शर्मा हैं वो संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव इसके सदस्य बनाए गए हैं और यह उप समिति मंत्री परिषद समिति को प्राप्त ज्ञापनों पर विचार कर निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगी। बात करेंगे हम कल के अभ्यास प्रश्न के उत्तर की। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में वन महोत्सव कब से शुरू किया गया है? आपके द्वारा दोस्तों कमेंट किए गए हैं और कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, मतलब इसमें बताया गया है उनके द्वारा कि ये जो वन महोत्सव मनाया जाता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यह वन महोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपने जानकारी दी जो कि सही है। अब हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन है कि भारत और वियतनाम का पहला युद्ध अभ्यास मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया था? गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में से एक इसका आंसर है, उसका आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया करें। वैसे आपके द्वारा जो लाइक किए जाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे द्वारा इसके career-academy.com पर भी इसके जो है वो MCQ अपलोड होने लगे हैं और PDF दोस्तों बन के तैयार हो गई हैं तो हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों ऐसा काम आ जाता है कि अपलोड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आपको PDF बहुत ज़रूरी रहती है रिवीजन के तौर पर, तो अब इसकी समस्या हम जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।